अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं। किसान भाई, इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं भीम बुल को, जो कई बार विजेता भी रह चुका है, और उनके जो ओनर है, उसके मालिक है बुल के, वो हमारे साथ है। बाकी जानकारी वो आपको देंगे। तो सर, भीम बुल की खासियत बताइए और कब कब ये विजेता रह चुका है। सर, 17, 18, 19 तक का चैंपियन बुल है। राजस्थान का सबसे टॉप नंबर का बुल है, अच्छा जानने वाला बुल। और मुर्रा में सर सबसे बेस्ट बुल है हमारे उधर का। इसके सींग देखो, एकदम गोल राउंड। और सर, इसके वेट हाइट थोड़ा और किसान बताइए। वेट सर 1200 से ऊपर है। 1200 से ऊपर, हाँ। हाइट वगैरह इसकी? हाइट लगभग सर 6 फीट के आसपास है, और नोज टू टेल 14 फीट लंबाई है इसकी। अच्छा, अभी जो विजेता रहा, कहाँ कहाँ पे विजेता रहा था इससे पहले, मतलब किसकी जगह मेलों में? सर, नागौर पशु मेले में 3 साल से लगातार चैंपियन है, और बालोत्रा में चैंपियन है, और पुष्कर में भी चैंपियन है। और उसका जो इंटरनेशनल मेला होता है उसको एनिमल ऑफ द इवेंट दिया गया था। और इसकी थोड़ा किसान से थोड़ा डाइट वगैरह और की जगह इसकी डाइट अभी आपको दे रहे हैं? सर जी, डाइट जो ये हरा चारा नॉर्मल हरा चारा वगैरह है, इसका फीड है वही है, प्रोटीन डाइट में थोड़ा नहीं। जैसे बाकी काफ़ी और भी, इससे पहले हमने बुल कवर किया तो बताते हैं कि भाई इसका डाइट प्लान दूध का बता देते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा। तो हाँ जी, दूध वगैरह तो पीता ही है। थोड़ा बता दीजिए थोड़ा बारीकी से बस। हरा चारा हो गया सर, सूखा चारा है हमारे उधर का, ज्वार का चारा होता है, और अच्छा फीड में है, बिनौले की खल वगैरह है, और प्रोटीन डाइट में भी है इसके। और विजेता बनना सर, जब बुल विजेता बनता है उसका फ़ायदा क्या किसान को मिल पाता है, वो बताइए थोड़ा। सर, जब अच्छा बुल हो, अच्छा मिल्क रिकॉर्ड का बुल हो, तो सर ब्रीडिंग के लिए द बेस्ट होता है। अच्छा, अभी आपको जो बुल है ब्रीडिंग में इस्तेमाल हो रहा है? हाँ जी। इसका थोड़ा बताइए सर, ब्रीडिंग में कैसे? सर, इसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड है 27 दोस्तों, और इसका सीमन अवेलेबल है। सीमन वगैरह कोई कंपनी वगैरह ले जा रही है कई? सर, हम खुद ही सप्लाई करते हैं। जैसे कस्टमर के फ़ोन हमारे पास में आते हैं तो हम खुद उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, हम उसको प्रोवाइड करा देते हैं सीमन। इसकी एज क्या हो गई होगी? सर, लगभग 6 साल हो गई इसकी। 6 साल। और इसके जो बच्चे हैं उनका मिल्क रिकॉर्ड क्या आ रहा है? सर, बच्चे अभी तक मिल्क रिकॉर्ड में नहीं आए। आए नहीं? हाँ, इसकी सिस्टर है जो पहले ब्यात में लगभग 16 से 18 लीटर दूध दे रही है। अच्छा अच्छा, अभी आपने इसका कोई घर पर बच्चा वगैरह तैयार करा इसका? हाँ, हो रहे सर। अच्छा, तो उनका इनके जो बच्चे हैं एकदम जेड ब्लैक आ रहे हैं, और अच्छी हाइट के आ रहे हैं, खूबसूरत बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, जैसे बाकी बुलों के, जैसे कई और बुल चैंपियन बनते हैं, उनके कंपनी वगैरह सीमन उनसे कॉन्टैक्ट करती है। हाँ जी। तो इसका वगैरह भी कुछ इस तरह से आपने क्या सप्लाई वगैरह? सर, ऐसा नहीं किया हमने, हम तो डायरेक्ट ही किसान को देते हैं, क्यों डुप्लीकेट से बचने के लिए। अच्छा। जो हमारा सीमन स्ट्रो है उस पर हमारे भीम बुल का नाम, ओनर जमारलाल जांगीर, मोबाइल नंबर दे रखे हैं, इसके वो कोड नंबर दे रखा है, कोड दे रखा है, स्कैन कोड एंड्रॉइड जनरेटेड है। अभी जैसे हम बुल का देख रहे हैं, काफ़ी इसका शांत स्वभाव भी काफ़ी शांत है। बिल्कुल। तो ये किस तरह से आप किसको करते हैं मेंटेन चीज़ों को? सर, ये इसकी हैबिट ही है जो मुरा ब्रीड में होता है, वो नेचुरली वो शांत स्वभाव का होता है, और हमारे लिए ये पर ये है ना कि अगर मान लिया कोई इससे अगले जो नेक्स्ट बच्चा आएगा वो भी इसी के स्वभाव की तरफ तैयार होते हैं। बिल्कुल 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 सर, ये चीज़ें फ़र्क पड़ता है उसके अगली क्वालिटी सी मन का अगर यूज़ किया जाए तो। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, किसान को अगर अच्छा बुल तैयार करना हो तो क्या क्या बातों का ध्यान रखें, किस तरह से वो करें? सर, अच्छा मिल्क रिकॉर्ड हो बुल का, उसका सीमन लगवाएं, और उसके साथ में सर अच्छे भी जानवर तैयार करें। अच्छा, और कोई बात सर जो आप किसान हैं तो किसानों के साथ, अभी आप किस पर्पज से इसको लेकर आए हैं? देहरादून का जो किसान मेला चल रहा है पीडीएफ का, इसमें सर प्रदर्शनी के लेके ले गए हैं। प्रदर्शनी के लिए? तो चैंपियनशिप वगैरह अभी कब होगी इसमें? जगरावा में है सर चैंपियनशिप। अच्छा अच्छा, उसमें भी जगरावा पीडीएफ है, उसमें भी प्रेजेंट करेंगे इसको। और मेन सर मैं कहना चाहता हूँ सीमन के बारे में, इसका सीमन सर अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है, आप मोबाइल नंबर नोट कीजिए, जवाहरलाल जांगीर, भीम बुल, जोधपुर, 98291 65995। नंबर बोल दीजिए एक बार दोबारा। 9829165995। क्या रेट पड़ेगा सर किसानों को सीमन का? सर वो फ़ोन पे बात करने की क्वांटिटी पे है सर। अच्छा अच्छा, और सर थोड़ा कोई खासियत बताइए कि बुल की, अच्छे बुल की पहचान क्या क्या होती है, थोड़ा वो बताइएगा इसको दिखा के। सर, इसकी लंबाई देखिए सर, पूरे लंबाई कवरेज कीजिए, इसका सर पुट्ठा देखिए चौड़ा, ठीक है। और जो प्योर मुरा ब्रीड होती है सर उस पर बिल्कुल कम वाइट बाल होते हैं, बिल्कुल गिने चुने से, ठीक है।
और क्या क्या चीज़ देखते हैं सर, बुल को चैंपियन बनाया जाता है, किन किन चीज़ों को देखा जाता है? और सर इसकी जो रीड देख सकते हैं आप, बिल्कुल सीधी है ना कि झुकावट में, और ऊपर से आगे से सर चेस्ट चौड़ा, सींग और मजबूत मोटे पैर, इस सर इसकी सीमन की क्वालिटी वगैरह भी आपने चेक कराई थी इसकी कहीं पे? बिल्कुल सर। तो उसमें क्या 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 रहा उसमें फिर? 100% रिजल्ट रहे सर, 100% बिल्कुल कन्विंसरेंसी 80 से ऊपर ही है। जब इसकी क्वालिटी सीमन की वगैरह चेक होती है तो डॉक्टर उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं, किन बातों को देख के वो फिर? सर वो मोटिलिटी भी देखते हैं, इसकी डिटेल जो भी मेडिसिन जाँच वगैरह होती है वो कम्प्लीट चेक करके फिर इसकी होती है। ओके ओके। तो किसान भाई उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को बाकी पशुपालक जो है उनको भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सर से आप कांटेक्ट करना चाहते हो सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं।